कहते हैं कि व्यक्ति को आप लोग खत्म कर सकते हैं, लेकिन विचारधारा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। और आपकी स्क्रीन के सामने एक फोटो दिख रही होगी आपको, एक कोई व्यक्ति नहीं था, एक विचारधारा थी। और आप देखिए, ये धरती जब तक रहेगी, इस धरती पर आप देखिए जब तक मानव का अस्तित्व रहेगा, तब तक ये विचारधारा चलती रहेगी। अगर किसी को लगता है कि 3 गोलियों से किसी विचारधारा को खत्म किया जा सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि उस विचारधारा को आप खत्म कर सकते हैं। आप देखिए, देश भर में भले ही आप देखिए इनके नाम, इनकी हत्या जिस व्यक्ति ने की उसके नाम पर आप वोट बैंक बटोर सकते हैं, लेकिन अगर आप विदेशों में जाते हैं तो आपको इन्हीं के नाम पर सम्मान मिलता है। आप देखिए कि इन्होंने, इनकी जिन्होंने हत्या की है, इनका नाम अगर उसके साथ ना जुड़े तो उस व्यक्ति को कोई जानने वाला भी नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? तो हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, और आप सभी लोग जानते भी होंगे बेहतर, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं इनके बारे में। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है पोरबंदर गुजरात में। उसके बाद आप देखते हैं कि हल्के ही में, छोटे ही में इनकी शादी कर दी जाती है, और आप सभी लोग इन जानते भी होंगे किनसे शादी होती है इनकी, कस्तूरबा गांधी। समझ रहे हैं? तो कस्तूरबा गांधी से इनकी शादी कर दी जाती है। उसके बाद आप देखते हैं कि ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के बाद आप देखते हैं कि वहां लोगों के जागरूक, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 1897 से लेकर, माफ करिए, 1853 93 से लेकर 1914 तक ये दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि 1915 के आसपास ये भारत आ जाते हैं, और भारत में आप देखिए इससे पहले भी, इनके पहले से भी आप देख रहे हैं कि आंदोलन चलते रहे, लेकिन जो नई दिशा दी और जिसके आगे चल के आप देखिए सभी इस वर्ग उसमें जुड़े, तो वो महात्मा गांधी की विचारधारा थी। और सबसे पहले महात्मा गांधी चर्चा में आए 1917 के चंपारण आंदोलन के कारण। और ऐसा माना भी जाता है कि चंपारण को गांधी की जरूरत थी और गांधी को चंपारण की जरूरत थी। और कहते हैं कि जब नाम सुनते थे लोग कि गांधी आ रहे हैं, तो लोग उन्हें दूर दूर से पैदल चल के देखने आते थे कि आखिर गांधी किस बनावट का है, किस तरह का व्यक्ति है। तो इसके बारे में आप देखिए दो चार कहावतें हैं, दो चार इनकी कहानियां भी हैं, और बहुत अच्छी कहानियां हैं, और मुझे लगता है कि ये दिखावा नहीं करते थे। आज आप लोगों ने सुबह से देख भी लिया होगा कि गांधी जी की जयंती को लेकर, गांधी जी के जन्म को लेकर बधाइयां दी जा रही हैं, फोटो डाली जा रही हैं, लेकिन इनकी विचारधारा से आप देखिए दूर दूर तक इन नेताओं का कुछ लेना देना नहीं होता है। खैर, हम लोग इनके बारे में छोड़िए, हम लोग कहानी जानते हैं जो आप लोगों के लिए भी कुछ सीख जरूर दे सकती हैं। एक कहानी आप लोगों ने काफी चर्चित सुनी भी होगी कि महात्मा गांधी बचपन में अपनी पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, लेकिन उन्हें पुस्तक पढ़ने का बहुत ही शौक था। और एक बात और बता देता हूँ, आप लोगों ने अगर इनकी बायोग्राफी नहीं पढ़ी हुई है, आत्मकथा नहीं पढ़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए। और इससे क्या होगा कि देखिए बहुत सारा कुछ आप ज्ञान भी हासिल कर सकेंगे। और मुझे लगता है जो व्हाट्सएप फेसबुक की यूनिवर्सिटी में आपको इनके प्रति नफरत भरी जाती है, नफरत पैदा की जाती है, उससे भी आपका पर्दा उठेगा और सच्चाई भी हकीकत भी मालूम चल सकेगी आपको। तो जब महात्मा गांधी की कोई अच्छी पुस्तक मिल जाती तो वो खूब उससे मन लगा कर पढ़ते थे। एक पुस्तक आपने देखी होगी कि श्रवण कुमार के बारे में आप सभी जानते होंगे, श्रवण कुमार उनके माता पिता की सेवा की कहानी थी। और जिस प्रकार आपने देखा है कि श्रवण अपने माता पिता की सेवा करते हुए एक तरह से अपने प्राणों की बलि दे देते हैं, और जिसे पढ़कर आप देखेंगे महात्मा गांधी काफी प्रभावित हुई है, और उन्होंने निश्चित किया कि वे श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की सेवा करते रहेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे एक हरिश्चंद्र, आप कहते हैं ना कि कोई अगर सत्य बोल रहा होता है तो आप उसे कह देते हैं कि बड़ा हरिश्चंद्र बन रहा है, हरिश्चंद्र की औलाद बन रहा है, यानी कि आप समझ रहे हैं सत्य से जुड़ा हुआ है वो। तो पड़ोस में हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित नाटक इन्होंने देखा। और आप देखेंगे महात्मा गांधी ने अंतिम समय तक सत्य पर चलते रहे वो, और आपने देखा है कितने भी कष्ट आए, लेकिन उन्होंने
आजीवन सत्य की राह ही चुनी। एक बात और आपको बता दूं, लोग कहते हैं ना कि सत्य की हमेशा विजय होती है, लेकिन ये भी क्लियर है, ये भी यकीन मानिए इसका भी, कि सत्य को बहुत मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं। और मुझे लगता है कि आज के समय में अगर कोई कहता है कि मैं सत्य के रास्ते पर चल रहा हूँ और वो खुश है, वो उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो यकीन मानिए कि वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर आप सत्य के रास्ते पर चलेंगे तो आपके जीवन में कठिनाइयां आना, मुसीबतें आना, समस्याएं आना लाजमी है। एक और आपने काफी इनकी चर्चित कहानी सुनी होगी कि महात्मा गांधी जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला, और दक्षिण अफ्रीका में गोरे अंग्रेज भारतीयों को कुली कहकर पुकारते थे और भारतीयों के साथ कितना भेदभाव किया जाता था। भारतीयों के साथ 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 वहां बुरा बर्ताव भी किया जाता था, और जिसमें आप देखेंगे गांधी जी को भी उसका सामना करना पड़ा। एक दिन वे रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठकर जा रहे थे, जिसे आप लोग आज के एसी से उसका कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, तो उसमें कुछ अंग्रेज प्रवेश किए और उसने शिकायत किया कि इस कुली को दूसरे डिब्बे में बैठाया जाए। लेकिन गांधी के पास आप देखिए उस फर्स्ट डिब्बे का टिकट था, फिर भी रेल कर्मचारी उन्हें मना करते हैं और महात्मा गांधी को सामान को बाहर फेंक देते हैं और गांधी को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं, जिसे देखकर महात्मा गांधी का जीवन ही बदल गया और उन्होंने प्रण लिया कि अंग्रेजों के अत्याचार को और नहीं सहेंगे। फिर यहीं से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की है। आप देखिए उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा साउथ अफ्रीका में बीता और उन्होंने वहां से एक तरह से आप कह सकते हैं कि नींव रखी इस आंदोलन की, और पूरा मकान खड़ा कहाँ किया, भारत में आके। एक और आप लोगों ने कहानी सुनी होगी इनके बारे में कि एक बार अपने बुरे दोस्त की संगत, आपने भी देखा होगा कि आपके भी इस तरह के दोस्त रहते हैं, तो आज कह सकते हैं उस समय बीड़ी चलती थी, आज सिगरेट चलने लगी, तो उस लड़के के कहने पर महात्मा गांधी चोरी छिपे मांस भी खाने लगे, क्योंकि महात्मा गांधी के घर पर सभी शाकाहारी थे और इस तरह अपने गलत आदत के कारण उन्हें चोरी करने की भी आदत पड़ गई थी, क्योंकि ये सबके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती थी। और फिर महात्मा गांधी ने धीरे धीरे कर्ज भी लेना शुरू कर दिया, लेकिन अपने इस कर्ज को चुकाने के लिए अपने बड़े भाई को सोने के कड़े में एक टुकड़ा चुरा कर बेच दिया और अपना कर्जा तो चुका दिया। लेकिन कहते हैं कि महात्मा गांधी का मन को खुद इस अपराध के लिए मान नहीं रहा था और अपनी गलतियों को अपने पिता के सामने पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया, और यह सब पढ़कर उनके पिताजी कुछ भी ना बोल सके और महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया पत्र फाड़ कर फेंक दिया, और यह सब देखकर महात्मा गांधी अपने करे पर पछताने लगे, रोने लगे, और उन्होंने पढ़ लिया कि आज के बाद बेसारे पूरे कर्म छोड़ देंगे। और इस तरह आप देखेंगे महात्मा गांधी जो भी शपथ लेते उस पर हमेशा अडिग रहते हैं, और इसे आप लोग इतिहास पढ़ेंगे, एक मूवी भी बनी हुई है महात्मा गांधी पर, तो उसे भी आप लोग देखिए जरूर। और मैं हमेशा कहता आया हूँ कि इस तरह की महापुरुषों पर कभी मूवियाँ बनती हैं तो जरूर आप लोग देखा करिएगा। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे देश में वही मूवियाँ चलती हैं जो मसालेदार होती हैं। और हाँ, इस कहानी का एक और सार आपको बताता हूँ, ये तो आप सभी जानते हैं कि आपको पिलाने वाले दोस्त आपके कई मिल जाते हैं, शुरुआत तो करवा देते हैं लेकिन बाद में भुगतान आपको ही करना पड़ता है, तो आप भी सीख सकते हैं इससे। एक और कहानी इनकी काफी चर्चित है कि एक बार गांधी जी के स्कूल में निरीक्षण करने वाले अधिकारी आए, फिर उन्होंने क्लास के लड़कों को कुछ अंग्रेजी शब्द लिखने के लिए दिए, लेकिन गांधी जी ने एक शब्द गलत लिख दिया, और आप कहते हैं कि उनके शिक्षक ने उन्हें इशारा भी किया कि इसे सही कर लीजिए, लेकिन उस समय देखते हैं कि महात्मा गांधी उसे सही नहीं करते हैं और सभी बच्चों के शब्द सही निकलते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का एक शब्द गलत लिखा होता है। फिर बाद में जब देखते हैं कि अध्यापक देखता है कि सब चले गए, उसके बाद गांधी जी से पूछा जाता है कि मैंने तुम्हें सही करने के लिए बताया था लेकिन तुमने सही क्यों नहीं किया, तो गांधी जी का बड़ा सुंदर सा जवाब होता है कि आपने बताने पर लिख भी देता सही, मैं निरीक्षक के सामने खुद को झूठा बना लेता, ऐसा करने को मेरा मन ना हुआ, शायद इसी तरह महात्मा गांधी के मन में सत्य का विचार था जो लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है, और इसीलिए तो आप देखते हैं देश दुनिया उनकी पूजा करता है।
भले हमारे देश में गालियां पड़ती रहती उन्हें। और इससे एक और बात देख लीजिएगा, एक कहानी छोटी सी और है। एक 4-5 साल के बच्चे, ये हकीकत कहानी है, तीन दो बच्चे स्कूल जाया करते थे। एक दिन उनकी मैडम ने उनसे कहा, मतलब टीचर ने उनसे कहा कि आपको 3 कबूतर दिए, और उनने कहा कि इन्हें मार के लाना है आपको, और ऐसे मतलब मारना कि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे सिवाय देख ना सके उसे। तो कहते हैं कि दो बच्चों ने मार के उसे, 3 बच्चे थे, दो किसी भी कोने में जाकर कहीं छुप के मार दिया, एक बच्चा उसे जिंदा लाया। उसे पूछा गया कि आखिर तुमने क्यों नहीं मारा इसे, तो बोला कि वो सब नहीं देख रहे थे, लेकिन कहते हैं भगवान तो सब देखता है ना। तो आप देखिए कि मान लीजिए कि मैंने किसी के साथ गलत किया हुआ है, या किसी के साथ आप देखिए भरोसा इस तरह की, आप देख सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं, आपने किसी के यहाँ चोरी की हुई है, किसी ने देखा नहीं देखा है, ऊपर वाले ने तो देखा होगा। और एक समय कहते हैं कि देखिए आप किसी के साथ गलत कर देते थे तो रात में आप सोचने पर मजबूर हो जाते थे, और इसीलिए आप देखें कि गांधी जी ने उस समय, कहते हैं कि उनके एक गाल पर किसी ने चांटा दिया तो उन्होंने दूसरा कर दिया। तो आपको बता दूं कि उस समय ये सिद्धांत चलता था, क्योंकि अगर आप दूसरे गाल पर भी तमाचा मार देते थे तभी आप रात में जाके 2 मिनट के लिए सोचते थे कि हमने उसे क्यों मारा, और हमारी अंतरात्मा हमें झकझोरती थी। लेकिन आप देखते हैं कि परिस्थिति बदल चुकी है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये भी है, लेकिन मुझे लगता है कि सोचना तो पड़ेगा और सोचना भी चाहिए। एक और कहानी इनकी काफी चर्चित है, आप सभी भी भूत से डरते होंगे और महात्मा गांधी भी डरते थे, सुनते हैं। तो कहते हैं कि महात्मा गांधी बचपन में बहुत ही डरपोक स्वभाव के व्यक्ति थे, और अपने घर जाने में से डरते थे, और अगर उन्हें भूत प्रेत की कहानियां सुना दी जाती थी तब गांधी जी बहुत ही भयभीत हो जाते थे। और ऐसा सब देखकर उनके घर में काम करने वाली उनकी नौकरानी रंभा ने उन्हें समझाया कि जब तुम्हें डर लगे तो राम का नाम लेना, सब डर भाग जाएगा। आज भी तो आप देखते हैं कुछ होता है तो आप राम को जपने लगते हैं, ऊपर वाले को याद करने लगते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि आप गलत करते समय क्यों नाम नहीं लेते हैं उनका। और इस तरह आप देखें कि अंतिम जब उनकी हत्या की जाती है महात्मा गांधी की, तब आपने देखा है कि उनके नाम, उनके मतलब अंतिम शब्द राम ही था। क्या था? राम ही था उनका। 1948 की बात कर रहे हैं। एक और कहानी है, और एक कहानी तो मुझे लगता है कि आप सभी ने सुनी होगी, कि एक बार जब एक औरत तो उनके पास अपने छोटे बच्चे के साथ आई, और उसे अपने बच्चे से बहुत गुस्सा था, क्योंकि आप देखेंगे उसका बच्चा गुड़ बहुत खाता था, मीठा गुड़ आप भी पसंद करते होंगे मुझे लगता है। तो उन्होंने बापू से शिकायत की, यानी कि महात्मा गांधी से, कि बापू मेरा बेटा बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, इतना ज़्यादा कि इसके दांत खराब हो गए, और आप इसे कहिए कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। इस पर आप देखेंगे बापू ने उस औरत से कहा कि वह 1 हफ्ते बाद अपने बेटे के साथ लौट आए, और वह औरत आप देखेंगे चली जाती है वहाँ से, और 1 हफ्ते के बाद आती है। इस पर आप देखेंगे बापू ने उसे फिर 1 हफ्ते तक बाद आने की बात कही, और ऐसा करीब आप देखेंगे 3 बार हुआ। गांधी जी ने उसे सलाह नहीं दी, और जब 4थी बार वह औरत अपने बच्चे को लेकर आई तो महात्मा गांधी ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उस बच्चे से बहुत ही प्यार से कहा कि अपने एक तरह से बाप की ज़्यादा गुड़ खाना ठीक नहीं है, और इससे दांतों में कीड़े पड़ सक जाते हैं, तुम कम गुड़ खाया करो। इसके बाद बापू ने उस औरत से कहा कि वह अपने बच्चे को ले जाए, बच्चा थोड़े दिनों में गुड़ खाना छोड़ देगा। और आप देखिए, आप ही सोच लीजिए, आप किसी के पास जाते हैं और 3 बार आपको वो लौटा देता है, और बाद में आपसे छोटी सी बात कहता है जो बात वो पहले भी कह सकता था, तो आपको गुस्सा आना स्वाभाविक भी है। तो इस मामले में भी आप देखेंगे इस औरत को बड़ा गुस्सा आता है, और उसने बापू से कहा कि इतना ही कहना था तो आप यह बात पहली बार में ही कह सकते थे, बेकार में मुझे 4 हफ्ते तक चक्कर कटाए। और इस पर बापू ने उसे औरत को एक जवाब दिया, बेटा 4 हफ्ते पहले मैं भी बहुत गुड़ खाता था, और मैं ऐसे किसी आचरण को व्यवहार में लाने को नहीं कह सकता था जिसे मैं खुद व्यवहार में नहीं लाता था। और इससे इस तरह की आप देख सकते हैं, इस तरह के थे आपके बापू। आज के नेताओं को देखिए आप लोग, बड़े बड़े भाषण देते रहते हैं,
और मुझे लगता है कि उस पर विचार खुद कर लें तो शर्म के मारे खुद चल बसें। एक और कहानी है, कहानी का दौर है। कहते हैं कि एक गांव में एक नेताजी की डेथ हो गई। उनकी पत्नी से किसी ने पूछा कि नेताजी की मौत कैसे हुई आखिर, तो उनकी पत्नी ने कहा कि आज नेताजी ने सुबह अपने गलेवान में झांक के देखा। तो आप समझ रहे हैं कि अगर लोग अपने गलेवान में झांके तो खुद से ही मतलब शर्म से ही मर जाए। खैर चलता रहेगा, ये तो विचारधारा बनी रहेगी। वो कहते हैं ना कि जिंदगी किसी साल किसी की 200 साल होती है, किसी की 100 साल, कोई 20-25 साल में काम कर जाता है, अपना नाम कर जाता है, उसकी विचारधारा हमेशा बनी रहती है। और इसके लिए आप बहुत अच्छा उदाहरण सिंधिया और रानी लक्ष्मीबाई के साथ जोड़ भी सकते हैं। कहते हैं कि उस समय रानी लक्ष्मीबाई को देशद्रोही कहा जाता था, उन्हें विद्रोही कहा जाता था, और वहीं सिंधिया घराने को बड़ा वफादार कहा जाता था। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इतिहास की स्पेशल बुक्स उठा के देखी होगी, तो आज तो मुझे लगता है कि आप लोग साफ लिखा हुआ है इतिहास में कि सिंधिया घराना गद्दार था, सिंधिया गद्दार था। और आज आप देखते हैं कि हम लोग रानी लक्ष्मीबाई की पूजा करते हैं, तो आप देखिए कि एक समय पर इन सभी समय का, आज के समय का भी मूल्यांकन होगा, और उस समय सही कौन था गलत कौन था ये उस समय बताया जाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ी मूल्यांकन करेगी उसका। हम आप आज नहीं बता सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। और इसी तरह आप भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बारे में भी पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि इन्हें उस समय आतंकवादी कहा गया, लेकिन आज देखिए आप लोग उन्हें हम लोग सबसे बड़ा देशभक्त मानते हैं। हम लोग उनका सम्मान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो ये सब मायने रखते हैं। और देखिए किसी आजादी में या राष्ट्रीय आंदोलन में किसी के योगदान को आप नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी में कि आप देखते हैं कि महात्मा गांधी का कह दिया जाता है कि इनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है, तो बड़ी हंसी आती है। काश जी अपना इतिहास पढ़ लेते, काश जो किताबें पढ़ी हैं उसमें सही से पढ़ा होता। खैर छोड़िए, इनकी ये कहानी रही है, समझ रहे हैं आप लोग। और कभी कोई किताब पढ़ते हैं, कोई विचार पढ़ते हैं, तो उस पर अमल भी करना चाहिए। खासकर देश के नेता अगर ये कर लेते तो मुझे लगता है कि बहुत आगे तक हम लोग निकल चुके होते। आप देखिए कि जब आज़ादी के कुछ सालों में जिस हिसाब से हमारे देश में काम हुआ, हम लोगों ने कई समस्याओं को खत्म किया, वही गति चलती आती चलती रहती तो आप देखिए हमारा देश आज कहीं से कहीं पहुंच गया होता। दरअसल कहते हैं कि 1947 में हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई थी, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि हमारी उस आज़ादी का बंटवारा सबके पास नहीं पहुंच पाया, सबको वो नहीं मिल पाई। आज भी आप देखिए शिक्षा से वंचित हैं, गरीबी, भुखमरी, महिलाओं की स्थिति देख लीजिए आप लोग, देश के किसानों की स्थिति देख लीजिएगा। तो इस सब पे काम करने के लिए हमें करना चाहिए था, हमारी वर्तमान सरकारों को करना चाहिए था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि सरकारों को धर्म, जात पात, इन पर वोट लेने से फुर्सत मिले तब तो विकास हो। और आज देखते हैं कि हम लोग अगर रफेल खरीद लेते हैं फ्रांस से तो हम लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन मैं तो उस समय खुश हो सकता हूँ कि जिस समय हम देखें कि इससे तगड़े हम लोग रफेल बना रहे होंगे, विमान बना रहे होंगे। और पाकिस्तान की छोड़िए, पाकिस्तान की क्या और खाद है, आप समझ रहे हैं। हमें अपनी तुलना करनी है तो चाइना या फिर अमेरिका से करनी चाहिए, और उसके लिए हमें काम भी करना पड़ेगा, लेकिन काम किस तरह से होता है आप सभी जानते हैं, उसका भुगतान भी किया हुआ है। और एक बात हाँ बता देता हूँ, कोरोना महामारी में आप सभी ने देखा भी है, आपने जिन नेताओं को चुना था वो आपकी मदद के लिए नहीं आए हुए, वो घर से नहीं निकले हुए हैं। कहते हैं कि वो अपने घर में रामायण देख रहे थे, कोई महाभारत देख रहा था, लेकिन मैं भी ये मानता हूँ अगर भगवान को थोड़ा बहुत तो मैं भी मानता हूँ, और
मैं दिखावे के लिए नहीं मानता हूं। मैंने भी सोचा, ये लोग कहते रहते कि महाभारत क्या है, महाभारत रामायण, ऐसे मैंने भी लॉकडाउन में बहुत अच्छे से पढ़ा, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर इस समय भी, इस समस्या में भी, इस आपदा में भी, अगर भगवान कृष्ण या भगवान राम होते तो मुझे नहीं लगता है कि इन नेताओं की तरह घर में बैठ के तमाशा देख रहे होते। लोग आपने देखा है चल रहे थे, मर रहे थे। आपने देखा है एक महिला चलती है, चलते चलते रास्ते में एक बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद फिर चलने लगती है। और इसी तरह आपने देखा एक बेटी अपने बाप को साइकिल पर बैठाती है, 1200 किलोमीटर चलती है, उसके बाद नेता जागते हैं और फोटो लेने के लिए पहुंच जाते हैं। आप देखिए गांधी के बारे में आप सभी पढ़ते हैं, कहते हैं कि 1947 के आसपास जब देश भर में दंगे हो रहे थे तो कहते हैं गांधी जी उन दंगों को रोकने के लिए लोगों के बीच जा रहे थे। और आज के नेताओं को देखिए आप लोग, उसका भुगतान भी हम लोगों को करना पड़ रहा है, और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक करते रहेंगे। खैर आप करते रहिए आपको जो अच्छा लगता हो, बस आपके पास भी 2 आंखें दी गई हैं, 2 भगवान ने कान भी बड़े सुंदर दिए हुए, 1 दिमाग भी दिया हुआ है, उसका भी इस्तेमाल किया करिएगा। उसके इस्तेमाल ना करने से कभी कभी जंग भी लग जाती है उसमें। लोहे में देखते हैं ना कि लोहा पड़ा रहता है तो उसे भी जंग खा जाता है, तो इसे इसका भी उपयोग करते रहा करिएगा।